हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मारुति की वैगनार। तो जिसके हम एलएक्सआई सीएनजी बेस मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसका देखेंगे इसका क्या प्राइस चल रहा है और कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो, और बाकी जो अमाउंट है वो आप लोन ले सकते हो, और कौन सी बेस्ट बैंक होगी जिससे आप कार लोन ले सकते हो। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका प्राइस देख लेते हैं। तो चलते हैं प्राइस के सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए मारुति वैगनार आर एलएक्सआई सीएनजी इसके बेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस होगा 6,42,500, आरटीओ के चार्जेस होंगे 45,805, इंश्योरेंस के चार्जेस होगा आपका 24,933, अदर्स चार्जेस कुछ होंगे 5,385। तो ऑन रोड प्राइस जो होगा दिल्ली के हिसाब से होगा 7,18,623 रुपये। तो ये है मारुति की एलएक्सआई सीएनजी बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं जहां से आप जो है हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है ऑफर वगैरह आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं किसी भी एक लिंक पे गया, जैसे मैं SBI कार लोन पे गया, तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है, कुछ कार लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं, कुछ फेस्टिवल ऑफर वगैरह जो यहाँ पे आते रहते हैं इस वेबसाइट पर, तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो इस पर मिनिमम जो है आप 72,000 की मान लीजिए अगर डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो है लोन लेना पड़ेगा 6,46,623 रुपये जो है ये आपको लोन लेना पड़ेगा। अब इस लोन अमाउंट को हम चलते हैं यहाँ पे अपने कार लोन के बेस्ट EMI कैलकुलेटर में, कार लोन के सेक्शन में डाल लेते हैं जाके अमाउंट। तो हमने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब रेट ऑफ़ इंटरेस्ट देख, कुछ हम टॉप बैंक से उनके रेट ऑफ़ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो अगर आप SBI से कार लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 7.45 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कार वेरियंट के हिसाब से यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। HDFC से अगर आप लेते हो तो 7.95 से स्टार्टिंग होगी और 8.30% तक यहाँ पर मिलेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने जो है कार लोन पे इंटरेस्ट रेट है जो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले यही इंटरेस्ट रेट 7.40 से स्टार्टिंग होती थी, लेकिन अब इन्होंने 7.70% कर दिया है। तो हमने मान लिया जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% के अराउंड मिल जाएगा आपके, अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो भी अच्छा है और आप जो है लोन भी ज़्यादा नहीं ले रहे हो तो आपको जो है 8% के अराउंड मिल जाएगा। अब जो है हम लोन टेन्योर हम मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हैं, तो हमने 7 साल के लिए सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए मंथली EMI आपका क्या बनेगा। तो मंथली EMI आपका जो बनेगा वो बनेगा 10,078 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,99,963 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,46,586 रुपये। फिर यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट 76.4% है जो आपने लिया है 6,46,000, और इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो 23.6% दे रहे हो। तो ऐसे आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम जो अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ा के देखते हैं। तो मान लीजिए जो है अगर आप 2 लाख की जो है डाउन पेमेंट करते हो तो 2 लाख की डाउन पेमेंट के आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। आपको लोन लेना पड़ेगा 5,18,623 रुपये, ये आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये जाके लोन वाले इस पे सेक्शन पे आप डाल सकते हो, यहाँ डालिएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम है, टेन्योर भी हम मान लीजिए 7 साल के लिए ले रहे हैं। अब देखिएगा आपका जो EMI है वो क्या बनेगा और इंटरेस्ट आपका क्या लगेगा। तो EMI आपका जो बनेगा वो बनेगा 8,083 रुपये। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,60,380 रुपये। टोटल पेमेंट जो करनी होगी 6,79,003 रुपये, ये आपको यहाँ से पेमेंट करनी होगी। अब हम चलते हैं और फिर एक और देख लेते हैं एक केस में। मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे 4 लाख की डाउन पेमेंट करी, तो 4 लाख का हम डाउन पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 4 लाख रुपए। तो आपको अब हम लोन लेना पड़ेगा, जो लेना पड़ेगा 3,18,623 रुपए। तो इस लोन को हम जाके यहाँ डालते हैं यहाँ पे EMI के सेक्शन पे। तो यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ, अब हम जो है टेन्योर जो है अगर 3,18,000 का ले रहे हैं तो हम मान लीजिए टेन्योर 5 साल के लेते हैं। देखिए आपका इंटरेस्ट रेट कितना कम हो जाएगा और EMI भी आपकी कितनी कम होगी। लोन EMI जो आपका आपकी बनेगी 6,461। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 69,009 रुपये और टोटल पेमेंट आपको करनी
करनी होगी 3,87,632 रुपये। तो ऐसे ही आप डिटेल में जो है इससे चेक कर सकते हो, और नीचे आएगा तो यहाँ काफ़ी डिटेल में भी आपको ग्राफ के माध्यम से इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो अपना मंथली ईएमआई जो है आप डिटेल में चेक कर सकते हो, कितनी आप जो मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर आप जाके डाउन पेमेंट चेक कर लीजिएगा, कितनी आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कितना लोन ले सकते हो। तो लोन अमाउंट यहाँ डालिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से भी आप ले रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करिएगा, तो आपको मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपका पता चल जाएगा कि आपका कितना लगेगा। अब हम आप दिखाते हैं कि कुछ टॉप बैंक है जिनके हम कार लोन के जो है इंटरेस्ट रेट आपको बताएंगे। तो ये जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, अभी देखिए जुलाई 2022 के जो है लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप लेते हो फॉर वुमेन्स के लिए है और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो आपको कौन से इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो 7.55% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और अगर आप पेट्रोल या डीजल वेरिएंट की कोई गाड़ी लेते हो तो आपको 7.65% से स्टार्टिंग है। ये सिर्फ केवल पीएनबी कार फाइनेंस जो है ये वुमेन्स और कॉर्पोरेट होल्डर्स के लिए है। अदर्स के लिए जो है पीएनबी कार फाइनेंस उनके लिए क्या है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फ्लोटिंग रेट से है। तो 7.65% से स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा। फिर अगर आपका सिविल स्कोर, अगर आप मान लीजिए 700 के आसपास का सिविल स्कोर है, 700 के नीचे है, तो आपको जो मिलेगा 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। आप यहाँ से डिटेल में जो है अपने सिविल स्कोर के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, तो आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो पीएनबी कार फाइनेंस अगर फिक्स रेट से लेते हो तो आपको 8.35 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है जो आपको 7.7% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है अगर आपका सिविल स्कोर 771 के ऊपर का है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है जो आपको 8% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 768 के ऊपर होगा, और अगर आपका सिविल स्कोर देखिए अगर 690 से ऊपर का है तो आपको 8.55% के मिलेगा। तो जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बैंक जो होगा उतने ही आपको कम इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। फिर SBI कार लोन है जो जिसकी स्टार्टिंग होती है 7.65% से, तो यहाँ आपका क्रेडिट स्कोर जो है 757 के ऊपर होना चाहिए, और अगर आपका जो है मान लीजिए 688 से 721 के बीच में है तो आपको 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अगर आपका उससे भी नीचे है अगर सिविल स्कोर तो आपको 8.25% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। फिर देख लेते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो 7.8% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा। फिर अगर आपका जो है सिविल स्कोर मान लीजिए 8.7% पर आपको तब मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर 650 से 699 के बीच में होगा। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट बताया गया है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। केनरा बैंक है 7.75% से स्टार्टिंग होगी फॉर वुमेन बॉरोवर के लिए, और मेंस के लिए जो है 7.9 to 10.3% है। IDBI बैंक है 8.1% से स्टार्टिंग होगी, 9.9% तक जाएगा। ICICI बैंक 7.85 से स्टार्टिंग होगी, 8.5% तक जाएगा। HDFC बैंक 7.9% से स्टार्टिंग होगी और 8.55% तक जाएगा, और एक्सिस बैंक जो है 8.1% से स्टार्टिंग होगी और 8.4% तक जाएगा। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रही जिनके आप जो है कार लोन के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है अभी जुलाई के। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है, कार लोन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आके लगेंगे। तो यहाँ पे तीन स्टेजेस होती है मेनली। तो पहली होती है प्री अप्रूवल प्रोसेस, जहाँ पे आपको जो है KYC डॉक्यूमेंट्स अपने देने पड़ते हैं। इसमें आपका आता है ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ेगा, और दो फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको लास्ट 2 ईयर का जो है फॉर्म 16 देना पड़ेगा, विद जो है 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या देना होगा, लास्ट 3 ईयर का बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा विद कंप्यूटेशन, ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, और अगर आपका पहले आपने कभी लोन लिया होगा तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे दूसरा जो आता है, दूसरी स्टेज जो आती है वो आती है पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस की, जहाँ पे जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरा जो आता है प्रोसेस वो होता है लोन डिसबर्समेंट, जहाँ पे आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, सिविल स्कोर आपका मैच करता है, अच्छा है, तो आपको जो है बैंक जो होगी आपका लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ये इस तरीके से जो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैंने बताया वेबसाइट, आप जो है यहाँ देसी लोन वेबसाइट है, इससे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। लेटेस्ट में कुछ कार लोन रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह तो आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।